नमस्कार किसान भाइयों, फार्मर द जर्नलिस्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि रेशम से कैसे धागा बनता है और इसको बनाने के लिए कैसी विधि है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सर, इनसे पहले परिचय प्राप्त करेंगे, फिर सारी जानकारी इनसे हम लेंगे। सर परिचय? विवेक कुमार श्रीवास्तव, सहायक रेशम विकास अधिकारी गोंडा। ये हम लोग प्रदर्शनी में लगाए की रेशम के कीड़े से सिल्क कैसे बनता है, धागा कैसे बनेगा, फिर धागे से फिर कपड़ा बने का पूरा प्रोसेस एक तरीके से हम लोग लाइव प्रदर्शनी है। ये कैसे क्या प्रोसेस है इसका जरा बताइए। स्टार्टिंग से बताते हैं। ये देखिए, ये बीजागार से आया हुआ अंडा है। बीजागार में जैसे ये आप देख रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं तो एक जो फीमेल आपका होगा, एक फीमेल तितली होगी, वो इतने अंडे देगी। इसके बाद इसमें से जैसे ये उसने अंडे दे दिए, उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या वो जो तितली थी उसमें कोई डिजीज तो नहीं है। अगर सपोज करिए कोई डिजीज आ जाती है इंफेक्शन में, तो ये पूरा क्रॉस कर दिया जाएगा, मतलब इस अंडे को यूज नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए डिजीज फ्री रहती है तो उसको हम यूज करते हैं। ये इसका ये आपका कीटांड है, रेशम कीटांड है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिजीज फ्री लेइंग, DFL स्टार्ट में बोला जाता है DFL। तो ये आपके रेशम कीटांड है। रेशम कीटांड से लगभग ये जब यहाँ से निकलेगा ये रेशम कीटांड हो जाएगा। फिर जब हैश होगा तो ये देखिए, आप लाइव देख रहे हैं, ये जो रेशम की कीड़े ये देखिए पत्ती खा रहे हैं, ये सातूत की पत्तियां खा के लगभग इनकी लाइफ साइकिल 28 से 30 दिन। ये बाइवोल्टाइन के कीड़े हैं, लगभग 28 से 30 दिन की साइकिल है। ये जो आप अभी कीड़े देख रहे हैं ये 8 तारीख के हैचिंग के हैं, लगभग 22-23 दिन हो गया है। ये चौथा मोल्ड क्रॉस कर चुके हैं, मतलब अभी ये 2-3 दिन के 3-4 दिन के बाद ये माउंटिंग करेंगे। माउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है कि माउंटिंग में ये अपने चारों तरफ ये बनाते हैं कोकून। ये कोकून आप देख रहे होंगे, ये अपने चारों तरफ ये बना लेंगे। ये कोकून इसको हम लोग करते क्या है, इसके अंदर ये एक कीड़े होंगे। इसको आप देखिए, आवाज इसकी आप सुनी, जो इसके अंदर कीड़े हैं। तो प्रोसेस क्या होता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, किल कर देते हैं। ड्रायर होता है, ड्रायर के माध्यम से इसको हम लोग किल कर देते हैं। तो किल करने के बाद ये आपका चला जाता है फिर रीलिंग मशीन में। रीलिंग मशीन क्या करती है, रीलिंग मशीन से फिर ये धागे निकलते हैं। रीलिंग मशीन से फिर ये धागे का प्रोसेस है, सिल्क के धागे, मलबरी रेशम है आपका, ये धागे निकलेंगे। फिर धागे से फिर आगे का प्रोसेस, ये आपका जो प्योर सिल्क का कपड़ा बनेगा, ये आपका सिल्क का कपड़ा बनेगा। तो ये स्टार्ट में हम लोग एक प्रदर्शनी लगाए हुए हैं कि किसी किसानों को समझा सकें कि रेशम कीटाणु से सिल्क के धागे खेती मतलब किसान भी कर सकते हैं या आप स्वयं क्या कैसे क्या कराते हैं? ये दोनों प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि राजकीय क्षेत्र का और निजी क्षेत्र का हमारे यहाँ प्रोसेस चलता है। राजकीय क्षेत्र का मतलब ये है कि अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप कैसे करेंगे, तो आपको सरकार विभाग, रेशम विभाग आपको प्रोवाइड करता है कि आपको जितने भी रेशम कीट पालन से संबंधित उपकरण होंगे, रेशम कीटाणु होंगे, सब कुछ। और जो रेशम कीटाणु ये पत्तियां खाएंगे तो राजकीय रेशम फार्म बने होते हैं, जहाँ से फ्री आपका सब कुछ फ्री आपका विभाग आपको प्रोवाइड करेगा। ये आपका राजकीय क्षेत्र का हो गया। यदि निजी क्षेत्र में हम जाते हैं तो यदि मान लीजिए आपके पास खेत है, पर्याप्त खेत है, तो हम लोग फ्री आप प्लांटेशन करा देते हैं, कास्ट ऑफ फ्री प्लांटेशन करा देते हैं। तो फिर उसके बाद कोई ये योजना चलती है, उस योजना के तहत हम लोग कीट पालन गृह प्रोवाइड कर देते हैं, रेशम कीट पालन के लिए जो उपकरण हो वो प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरीके से निजी आप व्यक्तिगत क्षेत्र में भी कर सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त खेत है तो आप व्यक्तिगत क्षेत्र में रेशम कीट पालन कर सकते हैं। इसके लिए किसान कहाँ विजिट करे, कहाँ संपर्क? इसके लिए देखिए, हमारा मेन कार्यालय, मुख्य कार्यालय आपका विकास भवन गोंडा में है। इसके अलावा जनपद गोंडा में 5 रेशम फार्म है। 2 रेशम फार्म आपके परसपुर ब्लॉक में पड़ते हैं, एक रेशम फार्म पंडित कृपाल ब्लॉक में है, और एक रेशम फार्म आपका मनकापुर ब्लॉक में है, और एक रेशम फार्म आपका इटियाथोक ब्लॉक में है। निजी कार्य करने के लिए क्या किसानों को कुछ शुल्क भी देना पड़ेगा? जी नहीं, कोई शुल्क नहीं है। शुल्क है? निःशुल्क है। और इसको खरीदने मतलब बेचने के लिए कहाँ किसान जाए? इसको देखिए सर, बेचने के लिए हम लोग का जो अभी का प्रोसेस है प्री कोकून का प्रोसेस, मतलब हम लोग कोकून का प्रोडक्शन करते हैं। कोकून का प्रोडक्शन कर लिया तो अभी अपने ही जनपद में रीलिंग यूनिट लग रही है। पंडित कृपाल में एक फार्म है, सुभागपुर फार्म पर, वहाँ रीलिंग यूनिट लग रही है। अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि जो कोकून बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ रीलिंग यूनिट थी नहीं, तो जो विभागीय रीलिंग यूनिट बहराइज में है, पीलीभीत में या बनारस में, जहाँ भी रीलिंग यूनिट होती है, तो हम लोग का ये रहता है कि उस रीलिंग यूनिट को सेल कर दें। सपोज करिए रीलिंग यूनिट में पर्याप्त मात्रा में कोकून आ गया तो हम लोग व्यापारियों से संपर्क करते हैं, तो वो व्यापारी आके ले जाते हैं। हम लोग का मेन काम ये है कि हम लोग इसको सेल कराने की जिम्मेदारी विभाग की होती है। मीडिएटर का एक तरीके से काम करता है, विभाग आपको सेल करा दे, ये विभाग की गारंटी। सारा काम आपको करना, सेल विभाग का कराना नहीं। जैसे आपने प्रोडक्शन कर दिया या हमने प्रोडक्शन कराया निजी क्षेत्र में या प्राइवेट सेक्टर में, तो प्रोडक्शन के बाद जैसे मान लीजिए कोई मार्केट तो है नहीं कि किसान जाएगा बेच के चला आएगा, तो उसको बेचने की जिम्मेदारी विभाग की है। अब विभाग चाहे रीलिंग यूनिट से बात करके वहाँ बेच दे, अगर रीलिंग यूनिट मान लीजिए पर्याप्त मात्रा में वहाँ, तो किसानों से संपर्क, वो व्यापारियों से संपर्क करके हम लोग। आपने गोंडा में कितने किसान होंगे जो लगभग इस समय लगभग 1200 से 1300 किसान जुड़े हुए हैं रेशम विभाग से। तो ये थी रेशम विभाग की जानकारी जिससे अच्छा कार्य कर सकते हैं और इस योजना से किसानों को जुड़ना भी चाहिए। ऐसे ही तमाम वीडियो और खबर को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार।